हाँ जी हाँ जी, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अनदर वीडियो, अनदर रिव्यू एंड कुछ एजुकेशनल वीडियो भी है ये आप सब के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट और अ सेकंड, ठीक है ना? आप मेरे चैनल पे तो यकीनन आपने सब्सक्राइब भी किया हुआ होगा, लाइक भी किया हुआ होगा और आप शेयर तो करते ही होंगे, मुझे पता है बहुत अच्छे से। तो जी आ जाते हैं, लेट्स गेट बैक टू द रिव्यू और द लेसन विच आई एम गोइंग टू टेल यू। लेसन के नाम पर सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट एक आपके लिए हेल्पफुल वीडियो है। सो ये जैसा कि सबने देखा होगा थंबनेल पे और टाइटल पे कि ये है सीड साइकिलिंग की वीडियो, ठीक है। ये है मेरे पास पम्पकिन सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स, ये है मेरे पास सनफ्लावर सीड्स एंड सेसमी सीड्स। सो ये दो तरह के सीड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि ये है एक अर्थन प्रोडक्ट्स की लाइक बैग्स फॉर द सीड साइकिलिंग। एज यू कैन सी ऑर्गेनिक सीड्स साइकिलिंग किट है ये बेसिकली, ना। चले जी स्टार्ट करती हूँ आप लोगों को बताने के बारे में, एजुकेट करने के बारे में। सो फर्स्ट लेट मी एजुकेट यू गाइस। तो भाई फर्स्ट लेट मी टेल यू कि ये है फ्लैक्स सीड्स एंड पम्पकिन सीड, जिसको आपने यूज़ करना है फर्स्ट डे टू 14 डे ऑफ योर फॉलिकल फेज। ये है सनफ्लावर सीड्स और ससमी सीड, जिसको आपने यूज़ करना है फ्रॉम 14 डेज टू 25 to 26 डेज ऑफ योर लूटियल फेज। तो भाई आप लोग कह रहे होंगे यार ये क्या है, और डायरेक्ट बता दिया कि हाउ इट वर्क्स। नो, मैंने डायरेक्ट ऐसा नहीं बताया है, मैंने जस्ट आपको ओवरव्यू दिया है, ठीक है जनाब। तो सीड्स कुछ ऐसे हैं। सीड साइकिल इज एन ओल्ड बट द मोस्ट इफेक्टिव नेचुरल वे टू कोप विद द हार्मोनल इम्बैलेंस, पीकॉस एंड टू रेगुलेट मंथली साइकिल। नॉट ओनली दैट, यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस इन योर स्किन एज वेल। जिसको हार्मोनल एक्ने है, जिसको एडल्टहुड एक्ने है, यू विल श्योरली गेट द बेटरमेंट, ठीक है ना। अच्छा, ओवरऑल ये इट रियली वर्क्स टू वंडर योर बॉडी, एडल्ट एक्ने, पीकॉस एंड ओवरऑल हेल्थ, ठीक है। इट्स कम्प्लीटली नेचुरल प्रोसेस, बट एज वेल एज आई विल रिकमेंड यू कि आप इसको अपनी बॉडी के हिसाब से देखें। ज़रा सा भी आप ड्रास्टिक चेंज या कुछ भी देखें, अल्लाह ना करे, ऐसा होगा नहीं, आई एम डैम श्योर, क्योंकि एक बिल्कुल नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोसेस है और बहुत ही पुराना प्रोसेस है ये डिफरेंट वुमेन हेल्थ को बेटर करने के लिए, तो आप रोक दीजिएगा। लेकिन बात यह है कि ये मेडिसिन से ज़्यादा नेचुरल वर्क करता है, ठीक है ना। तासीर गर्म होने का मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये है बहुत ज़बरदस्त ना, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि हाउ इट वर्क्स ना। एक टेबल स्पून हमने लेना है वन योर साइकिल स्टार, वन टेबल स्पून इसका, जो कि है फ्लैक्स सीड्स और पम्पकिन सीड्स ना। फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी, और पम्पकिन सीड्स आर पेथा लाइक खरबूजे के बीच ना, यू कैन से दैट। अच्छा, ये जो है हमने यूज़ करना है फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर पीरियड टू 14 डेज, फर्स्ट डे से लेकर 14 डे तक वन टेबल स्पून यूज़ करना है। इधर यू कैन टेक इट विद एनी ड्रिंक, नॉट विद कार्बोनेटेड और सोडा ड्रिंक, ओके। यू कैन टेक इट विद एनी शेक और जस्ट वाटर, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड विच इज़ द 14 to 28 डेज, जो कि आपने लेना है लूटियल फेज में अपना, एक टेबल स्पून इसे लेना है, यानी कि सेसमी सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, सेसमी इज तिल एंड सनफ्लावर सूरजमुखी के बीच लेना है आपने। अच्छा, ये आपको हेल्प करता है आपका प्रोजेस्टेरोन को बिल्डअप करने में, बूस्टअप करने में, और आपके डिफरेंट एक्सेसिस मेल हार्मोन्स होते हैं उसके अगेंस्ट फाइट करता है ये, ठीक है ना। ओके, तो मैं अब आपको ये बताती हूँ कि भाई ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपने सबसे पहले लेने हैं इसका बता देती हूँ, फ्लैक्स सीड्स आपको मिल जाएंगे कहीं से भी फ्रॉम एनी ऑफ द मार्केट, 250 ग्राम ले लीजिए। ये जो है 200 ग्राम दे रहे हैं, अर्थन प्रोडक्ट्स की बहुत ज़बरदस्त रेंज है, ये आपको बना बनाया दे रहे हैं, सही है ना। इसमें दोनों आपको साइकिल में मिल जाएंगे, यू कैन चेक देयर वेबसाइट एज वेल। आप अपना खुद भी कर सकते हैं यूज़, यानी कि किसी भी परचून की दुकान और ग्रॉसरी मार्ट में आप जाके कह सकते हैं फ्लैक्स सीड्स, यानी कि अलसी के बीज बहुत ज़बरदस्त होते हैं, और पेथा यानी कि पम्पकिन सीड्स आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, जहाँ से लाइक वो कहते हैं पंसार जो कहते हैं वहाँ से मिल जाएंगे। ऐसे ही हम लेंगे सूरजमुखी और तिल। अच्छा, सूरजमुखी और पेथा ये दोनों आपको सॉल्टी भी मिलेंगे, प्लीज़ डोंट टेक सॉल्टी वन, क्योंकि आप लोगों को गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा, बहुत सॉल्टिश हो जाए। अच्छा भाई, हमने सीड्स ले लिए, उसके बाद क्या करना है हमने? ओके, मैं आपको इस बात का भी जवाब देती हूँ। सीड्स लें, जितना वॉश करें, ड्राई करें, उसके बाद आप क्या करें कि सबसे पहले तो अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स को आप ग्राइंड करके रख लीजिए अपने पास,
उसके बाद हम आ जाते हैं पम्पकिन सीड्स यानी कि पेता, उसको जो है ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद उसको हमने स्टिफ भी करना है, ठीक है ना, ताकि उसमें जो लाइक क्या कहेंगे शेल होता है उसका, नट शेल जो होता है ना, बेसिकली सीड शेल जो होता है वो रिमूव हो जाए, वहाँ पे गले में जाके चिपक जाएगा। उसको स्टिफ करने के बाद उसको भी हमने जो पाउडर फॉर्म में रख लेना है। उसके बाद आ जाते हैं हम तिल यानी कि सेसमी सीड्स, वो इजीली ग्राइंड हो जाएंगे। देन सेम प्रोसेस एज द एज वी हैव डन विद द पम्पकिन सीड्स, हमने करना है सनफ्लावर सीड्स को भी, ठीक है ना, ग्राइंड करना है, स्टिफ करना है और उसको स्टोर करके अपने हिसाब से रख देना है, एक साइकिल के हिसाब से रखना है आपने हमेशा ना। अच्छा तो अब मैं सबसे पहले आपको इसके बारे में बता देती हूँ। आई एम सॉरी, एक मैंने पता नहीं क्या लगा दिया, कोई ऑयल वाली चीज़ लगा दी है इसमें ना, तो इसमें इन्होंने बैग पे भी लिखा हुआ है कि आपको अपने साइकिल कैसे यूज़ करना है। दैट्स दे हैव मेंशन द पम्पकिन एंड द फ्लैक्स सीड्स एज वेल, उन्होंने बताया है कि भाई एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं, फाइबर है आपके लिए, ये बहुत ज़बरदस्त रेंज प्रोवाइड करता है हेल्थ बेनिफिट के लिए। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, इम्प्रूव योर डाइजेशन, इस हेल्दियर स्किन एंड रिड्यूस द ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड ऑल दीज ना, ठीक है। अच्छा इन्होंने डायरेक्शन भी बताई हुई, जैसे मैंने बताई थी ये वैसे ही है। अब आप आ जाते हैं इसकी तरफ जो कि है सेसमी सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स। इन्होंने भी ये बताया हुआ है, दीज आर सेसमी सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स दैट आर बोथ हाईली न्यूट्रिशनस। सेसमी सीड्स कंटेन प्रोटीन, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड फाइटिक एसिड। दे ऑल्सो हैव टू रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड इम्प्रूव स्किन इलास्टिसिटी, ठीक है ना। मीन वाइल सनफ्लावर सीड्स कंटेन बी विटामिन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, प्रोटीन, विटामिन ई, ट्रेस मिनरल्स एंड हेल्दी फैटी एसिड्स। बाकी ये आपकी इम्यूनिटी और हेल्दी हार्ट डिजीज वगैरह को सही करता है। तो आप देख सकते हैं कितने बेनिफिट्स हैं यार इसके, ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी किस्म के मेडिकेशन लेने की, जाइए बिल्कुल गायनी के पास जाइए। बट लेकिन ये मतलब आई पर्सनली टेस्टेड, और आप चाहें तो अनिया वन की वो देख सकते हैं, दिस इज़ नॉट अ पेड कि मैं उसकी प्रमोशन कर रही हूँ, लेकिन आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम सीइंग हर स्टोरी, ठीक है, वहाँ से मैं एजुकेट हुई और मैं यूज़ करना चाहूँ टोटली नजर। यार आप 3 महीने यूज़ कीजिए, ठीक है, आपको रिजल्ट ऑटोमेटिकली नजर आएंगे अपनी स्किन पे, अपनी हेल्थ पे, इवन यू डोंट गेट मच क्रैम्स। यार मैं बहुत मुझे क्रैम्स होते हैं, लेकिन नाउ आई एम ऑन अ गुड साइकिल, ठीक है ना। सो यार ट्राई करें, छोटा सा है, मैं आई थिंक आपको ज़्यादा तो एजुकेट नहीं कर पाऊंगी इस बारे में, जितना मुझे पता है, जितना मेरे लिए वर्क कर रही है, सो ये वो है। सो आई होप यू गाइस हैव लर्नड अ लॉट, और ये आपके लिए अल्लाह कह रही है बहुत हेल्पफुल हो गर्ल्स के लिए जो बड़ी प्रॉब्लम। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी इसके फवायद, आप देखिए, मैं स्क्रीन पे भी कुछ ना कुछ लिख दूंगी, ठीक है। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय इंस्टाग्राम RIMSHAY15, दैट इज़ रिमशे 15।